मध्य प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्ति होने के बाद पहली बार सांसद रामशंकर कठेरिया यूपी के इटावा पहुंचे, जहां समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश जनसंघ के समय से बीजेपी का गढ़ पहले से ही माना जाता है। मध्य प्रदेश में भारी संगठनात्मक रूप से हमारी पार्टी बहुत मजबूत है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी एक बार फिर से 2023 के होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय गृह मंत्री जी और जो पार्टी का नेतृत्व है, उन्होंने संगठनात्मक दृष्टि से और आने वाले जो मध्य प्रदेश में चुनाव हैं उसके दृष्टि से मुझे मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है। मैं सबसे पहले उनको आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश मूलतः भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश माना जाता है, जहाँ पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लंबे समय से जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही मजबूत वहाँ पर संगठन है और निश्चित रूप से आने वाला जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरी ताकत के साथ सभी कार्यकर्ता मिलकर के पार्टी नेतृत्व के संरक्षण में वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। संसद जी में हालिया निकाय चुनाव हुए थे, वहाँ पे कांग्रेस देखते हैं आप? देखिए, ठीक बात है कि जो निकाय चुनाव हुए उसमें थोड़ा कम ज़्यादा रहा है, लेकिन आप ऑल ओवर लंबा यदि 20 साल का इतिहास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में और सब प्रकार से नीचे तक, जहाँ मैं कहूँगा नीचे तक, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। कोई चैलेंज समझ रहे हैं आप वहाँ पे या एक तरफा समझ रहे हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ का जो एक लंबे समय से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में आज हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए, मेरे को जो संगठन का अनुभव है और जो कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी से सीखा है, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव में सभी कार्यकर्ता सक्रिय हों और एक मत से सभी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बने, इसके लिए हम सब एकजुट से सब लगेंगे, सब मिलकर के लगेंगे। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है हमारे वहाँ के